जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 सीबीएसई मैथ चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फंक्शन हमको दे रखा है दोस्तों, ये जो फंक्शन है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये बोले हैं ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए एस स्क्वायर का कोफिशेंट है, बी एक्स का कोफिशेंट है, और सी कॉन्स्टेंट टर्म है, और ए इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। अगर ए जीरो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बी और सी जीरो हो सकते हैं। तो चलिए देख लिए इसको क्या कर लिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया, ये जगह एस एस स्क्वायर, इससे एस स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर इससे करेंगे तो प्लस एक्स, और फिर टू की माइनस टू की एक्स से माइनस टू एक्स, और माइनस टू की वन से माइनस टू। तो इस तरह दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने से ये जो है, जो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है इसको हमने क्लियर किया, बराबर जो है बराबर का निशान है इसको इधर लिया है, तो जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म बन गई माइनस, तो ये कट के जो है ये सब कट गए, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बच क्या गया हमारा, ये माइनस के टू एक्स और माइनस के एक्स और माइनस के टू और प्लस के थ्री, तो हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक, ये जो फॉर्म हमको मिली, ये जो इक्वेशन मिली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, यानी ए जो है इसमें क्या है, जीरो है। तो हमने पहले ही बोला था कि ए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो होगी ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें ए जीरो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर जो है कोफिशियंट ए की वैल्यू जीरो है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये भी बोल रहे हैं कि ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी हमने खोल लिया, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, और इसको इधर ले आए तो ये सिंप्लीफाई करके क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको एस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। इट इज द फॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, इसमें वन होगा, और बी की जगह माइनस सिक्स है, और सी की जगह एट है। तो ये क्या है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसके क्या है, ये समरूप है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इस तरह से कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें देखने वाली बात यही होगी कि उसमें एक ए जो है, जो ए है, जो रियल नंबर है ये, वो जीरो नहीं होना चाहिए, और वो किसकी फॉर्म होना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी और सी जीरो हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो का टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।